गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण से संबंधित अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि अलंकार काव्य में अलंकार की आवश्यकता जो है सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस तरह से आभूषण पहनकर अपने सौंदर्य में निखार लाती है, ठीक उसी तरह से कवि अपनी काव्य में निखार लाने के लिए यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। कवि भामा जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है, अलंकार संप्रदाय के जनक है और उन्होंने अलंकार के तीन प्रकार बताए। भामा कवि ने अलंकारों के बारे में बताया कि अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार से आशय है कि उसमें शब्द पर जोर दिया जाएगा, यानी शब्दों को ही पर उसके महत्व को ध्यान दिया जाएगा। अर्थालंकार का मतलब जो उसके अर्थ से वो अलंकार निश्चित किया जाएगा। यानी परीक्षा में अक्सर दो ही प्रकारों में से पूछा जाता है, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार है। तो शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? तो शब्दालंकार में वक्रोक्ति आता है, अनुप्रास आता है, श्लेष आता है और यमक आता है। शब्दालंकार में वक्रोक्ति, अनुप्रास, श्लेष और यमक आता है, जबकि अर्थालंकार में उपमा, रूपक, विभावना, उत्प्रेक्षा आता है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, विभावना, उत्प्रेक्षा आदि आता है। अब आइए हम देखते हैं कुछ अलंकारों के बारे में मोटी मोटी बातें। हम देखते हैं कि अलंकार जो है उपमा अलंकार क्या है। अलंकारों में हम देखते हैं कि उपमा अलंकार है, तो उपमा अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए। जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। जैसे शीशा, या फिर पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। यानी यहाँ उपमेय और उपमान, यानी उपमेय जिसकी उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा की जाए, यानी जिससे तुलना की जा रहा है वो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार जो है उपमा अलंकार से मतलब है कि शीशा से जुड़ा हो और किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए। इसको आगे हम भी और बताते हैं कि क्या है उपमा अलंकार के बारे में, हम आगे भी चर्चा करेंगे। जबकि अब आइए देखिए संदेह अलंकार क्या होता है। संदेह अलंकार जिसे लगता है कि संदेह उत्पन्न हो जाए, यानी भ्रम वाली स्थिति हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जैसे नारी बीच सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। कभी कभी देखते हैं कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती है, इतनी दुबली पतली होती है कि वो सारी पानी होती है। तो जैसे कहते हैं ना कि माने सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, यानी भ्रम उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति को संदेह अलंकार के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए अनुप्रास के बारे में देखते हैं। अनुप्रास क्या होता है? तो वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास कहते हैं, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार जो होते हैं जिसमें छेकानुप्रास होता है, वृत्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है। तो देखिए छेकानुप्रास में क्या होता है कि यहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार आए। छेकानुप्रास में क्या होता है?
छेकार अनुप्रास में क्या होता है कि जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति बार बार आए, जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं छेकार अनुप्रास में बंदव गुरुपद पदुम पराग, बंदव गुरुपद पदुम पराग सुरचि सुवस सरस अनुराग। यानी छेका अनुप्रास में क्या होता है कि उसके स्वरूप और क्रम अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार से अधिक आए, उसको हम लोग छेका अनुप्रास कहते हैं। बंदव गुरु पद पद्म पराग सुरचि सुवस सुरस अनुराग। यानी बंदव गुरुपद पदम परागा सुरचि सुवर सुवस सुवरस सरस अनुराग। जबकि वृत्ति अनुप्रास में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है। रघुनंदन आनंद कंद कोसल नंद दशरथ नंदन। यानी वृत्ति अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है और इसमें वो हमें देखने को मिलती है। जबकि लाटानुप्रास में क्या होता है, यानी एक पद या एक वाक बार बार आए, जैसे मांगे ना के बटयाना मांगे नावन केवटयान। लट अनुप्रास में क्या होता है कि एक शब्द या एक वाक दोबारा आते रहते हैं, तो ऐसे ऐसे में हम क्या समझेंगे कि वो लट अनुप्रास है। विरोधाभास में क्या होता है कि कोई चीज माने जो चीज हो रहा है उसका उल्टा हो, यानी विरोध विरोधाभास क्या होता है, जैसे अपने ही बात को अपने ही बात से आप काट दीजिए तो उसको क्या कहेंगे, विरोधाभास कहेंगे। यानी जैसे आप देख लीजिए या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझे कोई नाई ज्यों जे बुरे श्याम रंग तिरते उज्जवल हो। यदि यहाँ पर दिखाया गया कि कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान की प्रेम में गोपियां सब जो है वो मतलब उसमें जितने मतलब प्रेम में डूब रही हैं, यानी श्यामले रंग के प्रेम में यानी कृष्ण के प्रेम में उतने वो उज्जवल हो रही हैं, यानी यानी ऐसा नहीं होता है कि काले रंग में अगर कोई डूबे और वो सफेद हो जाए तो क्या होगा, यानी विरोधाभास है। यानी कृष्ण के प्रेम में गोपियां दिन पर दिन निखरती जा रही हैं। यानी यदि कोई आदमी श्याम रंग में डूबता है यानी बुरता है तो वह उज्ज्वल कैसे हो, जीव जीव बुरे श्याम रंग। अगर कोई श्याम रंग में अगर कोई डूबता है तो उज्ज्वल कैसे हो, उज्ज्वल कैसे हो सकता है। तो वही कहते हैं या अनुरागी चित्त के, कभी कभी यानी मन की चित्त जो मन के अनुराग जो है चित्त जो है वो बड़ा ही विचित्र होता है, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता है। और जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे श्याम रंग में बोलने के बाद कोई उज्ज्वल हो जाए, यह इसमें जो है विरोधाभास अलंकार हमें प्रतीत होता है। विरोधाभास का मतलब होता है कि उल्टा, यानी अनुराग मन की अनुरागी चित जो है वो बड़ा ही विचित्र है और उसकी गति को समझना इतना आसान है नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे श्याम रंग में डूबने वाले लोग उज्ज्वल हो रहे हैं, यानी काले रंग में डूबने के बाद कोई सफेद कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ होता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार हमें दिखाई दे रहा है। उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ये हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछता है और इसमें जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान का भेद जो है वो रहित है,
रूपक अलंकार में होता क्या है कि यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित हो, यानी एकदम उसमें आरोपित कर दिया जाए, फिट कर दिया जाए, तो उसी उसी में रूपक होता है, यानी रूप जैसा रूप है उसको बिल्कुल उसी रूप में फिट कर दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। जैसे उदित उदित उदयगिरी उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन, यानी रूपक में क्या होता है कि उसके रूप में बिल्कुल उसी तरह फिट कर दिया जाए, यानी उसमें जो उपमेय है उपमान का भेद जो है रहित हो जाए, मैंने ना ही पता चले कि कौन उपमेय है कौन उपमान है, यानी दोनों का भेद जब है सदृश बना दिया जाए, एक जैसा बना दिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। आइए विभावना अलंकार में क्या होता है, जहां बिना कारण के कार्य हो रहा हो या हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। जहां बिना कारण के कार्य हो जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। बिनुपद चले सुने बिनुकाना, बिनुपद चले सुने बिनुकाना, बिनुपद चले सुने बिनुकाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी बिना पद के चल रहा हो व्यक्ति और बिना कान के कोई व्यक्ति सुन रहा हो, इसी को कहते हैं बिना कारण के कार्य हो रहा हो, यानी वहां बिना कारण के कार्य हो रहा हो वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार कहाँ होता है? बिना कारण के कार्य हो रहा हो वहां विभावना अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ जुड़े हों और प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग हो। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए नोबरे मोती मानस चुन। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण से संबंधित अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि अलंकार काव्य में अलंकार की आवश्यकता जो है सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिस तरह से आभूषण पहनकर अपने सौंदर्य में निखार लाती है, ठीक उसी तरह से कवि अपने काव्य में निखार लाने के लिए यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। कवि भामा जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है, अलंकार संप्रदाय के जनक है, और उन्होंने अलंकार के तीन प्रकार बताए। भामा कवि ने अलंकारों के बारे में बताया कि अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और वह अलंकार। शब्द अलंकार से आशय है कि उसमें शब्द पर जोर दिया जाएगा, यानी शब्दों को ही पर उसके महत्व को ध्यान दिया जाएगा। अर्थ अलंकार का मतलब जो उसके अर्थ से वो अलंकार निश्चित किया जाएगा, यानी परीक्षा में अक्सर दो ही प्रकारों में से पूछा जाता है जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार है। तो शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? तो शब्दालंकार में वक्रोक्ति आता है, अनुप्रास आता है, श्लेष आता है और यमक आता है। शब्दालंकार में वक्रोक्ति, अनुप्रास, श्लेष और यमक आता है, जबकि अर्थालंकार में उपमा, रूपक, विभावना, उत्प्रेक्षा आता है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, विभावना, उत्प्रेक्षा आदि आता है। अब आइए हम देखते हैं कुछ
कुछ अलंकारों के बारे में मोटी मोटी बातें हम देखते हैं कि अलंकार जो है, अलंकार जो है उपमा अलंकार क्या है। अलंकारों में हम देखते हैं कि उपमा अलंकार है, तो उपमा अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए। जैसे पड़ी थी बिजली सी बिकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, जैसे शीशा, या फिर पड़ी थी बिजली सी बिकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। यानी यहाँ उपमेय और उपमान, यानी उपमेय जिसकी उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा की जाए, यानी जिससे तुलना की जा रहा है वो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार जो है, उपमा अलंकार से मतलब है कि शीशा से जुड़ा हो और किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए। इसको आगे हम भी और बताते हैं कि क्या है उपमा अलंकार के बारे में, हम आगे भी चर्चा करेंगे। जबकि अब आइए देखिए संदेह अलंकार क्या होता है। संदेह अलंकार जिसे लगता है कि संदेह उत्पन्न हो जाए, यानी भ्रम वाली स्थिति हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जैसे नारी बीच सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। कभी कभी देखते हैं कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती है, इतनी दुबली पतली होती है कि वो सारी पानी होती है। तो जैसे कहते हैं ना कि माने सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, यानी भ्रम उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति को संदेह अलंकार के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए अनुप्रास के बारे में देखते हैं। अनुप्रास क्या होता है, तो वर्णों की आवृत्ति को ही अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार जो होते हैं जिसमें छेकानुप्रास होता है, वृत्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है। तो देखिए छेका अनुप्रास में क्या होता है कि यहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार आए। छेका अनुप्रास में क्या होता है, छेका अनुप्रास में क्या होता है कि यहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति बार बार आए। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं छेका अनुप्रास में, बंदव गुरुपद पद्म पराग, बंदव गुरुपद पद्म पराग सुरचि सुवस सरस अनुराग। यानी छेका अनुप्रास में क्या होता है कि उसके स्वरूप और क्रम अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार से अधिक आए, उसको हम लोग छेका अनुप्रास कहते हैं। बंदव गुरु पद पद्म पराग सुरचि सुवस सुरस अनुराग। यानी बंदव गुरु पद पद्म पराग सुरचि सुवस सुवरस सरस अनुराग। जबकि वृत्ति अनुप्रास में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है। रघुनंदन आनंद कंद कोसल नंद दशरथ नंदन। यानी वृत्ति अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति जो है वो बार बार होती है और इसमें वो हमें देखने को मिलती है। जबकि लाटानुप्रास में क्या होता है, यानी एक पद या एक वाक बार बार आए। जैसे मांगे नके मांगे नावन के वटयान। लटानुप्रास में क्या होता है कि एक शब्द या एक वाक दोबारा आते रहते हैं, तो ऐसे ऐसे में हम क्या समझेंगे कि वो लटानुप्रास है। विरोधाभास में क्या होता है कि कोई चीज माने जो चीज हो रहा है उसका उल्टा हो,
यानी विरोधाभास क्या होता है, जैसे अपने ही बात को अपने ही बात से आप काट देंगे तो उसको क्या कहेंगे, विरोधाभास कहेंगे। यानी जैसे आप देख लीजिए, या अनुरागी चित की गति समझे कोई नाई, ज्यों जे बुरे श्याम रंग तिरते उज्जवल हो। यदि यहाँ पर दिखाया गया कि कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान के प्रेम में गोपियां सब जो है वो मतलब उसमें जितने मतलब प्रेम में डूब रही हैं, यानी श्यामले रंग के प्रेम में यानी कृष्ण के प्रेम में, उतने वो उज्जवल हो रही हैं। यानी ऐसा नहीं होता है कि काले रंग में अगर कोई डूबे और वो सफेद हो जाए तो क्या होगा, यानी विरोधाभास है। यानी कृष्ण के प्रेम में गोपियां दिन पर दिन निखरती जा रही हैं। यानी यदि कोई आदमी श्याम रंग में डूबता है यानी बुरता है तो वह उज्ज्वल कैसे हो, जीव जीव बुरे श्याम रंग। अगर कोई श्याम रंग में अगर कोई डूबता है तो उज्ज्वल कैसे हो, उज्ज्वल कैसे हो सकता है। तो वही कहते हैं यह अनुरागी चित के, कभी कभी यानी मन की चित जो मन के अनुराग जो है, चित जो है वो बड़ा ही विचित्र होता है, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता है। और जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे श्याम रंग में बोलने के बाद कोई उज्ज्वल हो जाए, यह इसमें जो है विरोधाभास अलंकार हमें प्रतीत होता है। विरोधाभास का मतलब होता है कि उल्टा, यानी अनुराग मन की अनुरागी चित जो है वो बड़ा ही विचित्र है और उसकी गति को समझना इतना आसान है नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे श्याम रंग में डूबने वाले लोग उज्ज्वल हो रहे हैं, यानी काले रंग में डूबने के बाद कोई सफेद कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ होता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार हमें दिखाई दे रहा है। उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन, ये हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछता है। और इसमें जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय में उपमान का भेद जो है वो रहित है। वो रूपक अलंकार में होता क्या है कि यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित हो, यानी एकदम उसमें आरोपित कर दिया जाए, फिट कर दिया जाए, तो उसी उसी में रूपक होता है। यानी रूप जैसा रूप है उसको बिल्कुल उसी रूप में फिट कर दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन, यानी रूपक में क्या होता है कि उसके रूप में बिल्कुल उसी तरह फिट कर दिया जाए, यानी उसमें जो उपमेय है उपमान का भेद जो है रहित हो जाए। मैंने ना ही पता चले कि कौन उपमेय है कौन उपमान है, यानी दोनों का भेद जब है सदृश बना दिया जाए, एक जैसा बना दिया जाए, तो वहां रूपक अलंकार होता है। आइए विभावना अलंकार में क्या होता है, जहां बिना कारण के कार्य हो रहा हो या हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। जहां बिना कारण के कार्य हो जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार होगा। बिनुपद चले सुने बिनुकाना, बिनुपद चले सुने बिनुकाना, बिनुपद चले सुने बिनुकाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिनुपद चले सुने बिनुकाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी बिना पद के चल रहा हो व्यक्ति और बिना कान के कोई व्यक्ति सुन रहा हो, इसी को कहते हैं बिना कारण के कार्य हो रहा हो। यानी वहां बिना कारण के कार्य हो रहा हो वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार कहाँ होता है, बिना कारण के कार्य हो रहा हो वहां विभावना अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है, जहां एक शब्द के
यहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ जुड़े हों और प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग हो। रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए नोबरे मोती मानस चुन। धन्यवाद।